आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। कल के अध्याय में हमने सुना था, युवाचार्य श्री मघवागणी आचार्य पद पर कब पदासीन हुए, आचार्य पद के प्रथम दिन की भेंट क्या थी, आचार्य मघवागणी के समय को पाचन काल का समय क्यों कहा जा सकता है, किस प्रकार आचार्य श्री मघवागणी स्वयं ही अपना कार्य कर लेते थे, अशुद्ध उच्चारण को मघवागणी ज्ञान की असाधना क्यों मानते थे, किसी ने मघवागणी से कहा अमुक व्यक्ति आपको गाली दे रहा था, उस पर मघवागणी ने क्या कहा। प्रश्नोत्तर के प्रारंभ में अकड़ कर बैठने वाले पंडित ने मघवागणी के पैर क्यों पकड़ लिए। अब आगे 13 पंत का इतिहास, खंड 2, शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी, प्रकाशक जैन श्वेतांबर 13 पंथी महासभा, प्रथम परिच्छेद आचार्य श्री मघवागणी, 13 पंथ के पंचम आचार्य, भाग 7, विहार और जनोपकार, थली की सफल यात्रा। मघवागणी का आचार्य अवस्था में प्रथम विहार जयपुर से थली की ओर हुआ। चैत्र मास में वे वहां से चले और मार्गस्थ क्षेत्रों को यथा अवसर थोड़ा थोड़ा समय देते हुए थली में पधारे। बिदासर उस समय भक्ति भावना की दृष्टि से थली का सर्वोत्कृष्ट क्षेत्र माना जाता था। वह मघवागणी की जन्मभूमि भी था। प्रथम चातुर्मास उसे मिला। उसकी समाप्ति पर वे राजल देसर और रतनगढ़ में विराजकर सरदार शहर पधार गए। वह क्षेत्र उस समय आचार्य श्री के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। कारण यह था, वहां पर छोक जी, चतुर्भुज जी आदि टालोकर का जो विरोधी संगठन बना हुआ था वह बिखर चुका था। यद्यपि उसके बिखराव के समाचार जयपुर में द्वितीय चातुर्मास से पूर्व ही जयाचार्य को मिल चुके थे, किंतु वृद्धावस्था के कारण वे उस समय उधर नहीं पधार सके। उनका वह अवशिष्ट कार्य मघवागणी ने पूर्ण कर दिया। सरदार शहर उस समय 13 पंथ के लिए केवल बहनों का क्षेत्र कहलाता था। वहां के अधिकांश भाई तालोकर मुनि छोक जी, चतुर्भुज जी के अनुयायी थे। पिछले 2 वर्षों में मुनि कालू जी के परिश्रम से उस स्थिति में परिवर्तन आना प्रारंभ हुआ था और लोग धीरे धीरे 13 पंथी बनने लगे। तालोकरों का वह गठबंधन किन्हीं सिद्धांतों के आधार पर बना हुआ नहीं था। वह तो विभिन्न अवसरों और विभिन्न कारणों से असंतुष्ट हुए व्यक्तियों का एक जमघट था। अनेक बार अनेक प्रकार की थेगलियां लगाकर उसे एक गुड़िया का रूप दिया गया, परंतु उसके टांके इतने शीघ्र खुल जाएंगे और अंदर भरे गए पुर बिखर कर बाहर कूड़ा बन जाएंगे, ऐसी तत्काल संभावना नहीं थी। परंतु विधिवशात वैसा हो गया और फिर थेगलीदार उस संगठन का बिखराव होते ही लोगों का झुकाव 13 पंथ की ओर तीव्रता से होने लगा। मघवागणी सन 1939 के शेष काल में सरदार शहर पधारे। 13 पंथ के आचार्यों का वहां वह प्रथम पदार्पण था। भारी उत्सुकता के साथ लोग झुंड के झुंड दर्शनार्थ तथा व्याख्यान श्रवणार्थ आने लगे। तत्व चर्चा तथा 13 पंथ की रीति नीति की जिज्ञासा के मानो द्वार खुल गए। आचार्य श्री प्रश्न के रूप में समागत सभी जिज्ञासाओं का बड़ी तत्परता तथा तार्किकता के साथ समाधान करते। गुलाब सती के वार्तालाप तथा व्यवहार ने भी जनता को बहुत प्रभावित किया। सरदार शहर का वह प्रथम पदार्पण सभी प्रकार से सफल रहा। लोग अहम किया 13 पंथ बनने लगे। उस वर्ष का मर्यादा महोत्सव चूरू में करके मघवागणी, रीणी और राजगढ़ में भी पधारे। उन क्षेत्रों में भी तालोकर मुनियों का काफी प्रभाव था, परंतु ग्रामो नास्ति कुतः सीमा, अर्थात गांव ही नहीं हो तब सीमा का प्रश्न ही कहां रहता। संगठन की समाप्ति के साथ ही सभी क्षेत्रों में उन लोगों का प्रभाव समाप्त हो चुका था। मघवागणी के पदार्पण के समय उन क्षेत्रों में भी अनेक परिवारों ने अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पाया
और तेरापन के अनुयायी बन गए। मघवागणी ने उस यात्रा में थली के विभिन्न क्षेत्रों में विहरण करते हुए लगभग 3 वर्षों का समय लगाया। तीनों ही वर्षों में वे सरदार शहर पधारे। प्रथम 2 बार के पदार्पण तो 2 वर्षों के शेष काल में हुए और तीसरी बार का पदार्पण चातुर्मास करने के लिए हुआ। 3 बार के उस लंबे परिश्रम ने सरदार शहर को थली में तेरापन का एक धुरीण क्षेत्र बना दिया। इस प्रकार थली की वह त्रैवार्षिक यात्रा परिपूर्ण रूप से सफल रही। भंडारी जी का सहयोग। थली में लगातार 3 चातुर्मास करने के पश्चात मघवागणी ने मारवाड़ तथा मेवाड़ की ओर पधारने का निश्चय किया। उस यात्रा में उन्होंने संवत 1942 का चातुर्मास जोधपुर में किया। बहादुरमल जी भंडारी के लिए वह चातुर्मास गुणकारी सिद्ध हुआ। भंडारी जी ने अपने कार्यकाल में एक उच्च राज्य अधिकारी तथा राज्यमान व्यक्ति थे। धर्म क्षेत्र में भी वे अपने समय के अप्रतिम शासन भक्त एवं दृढ़ श्रद्धालु श्रावक थे। जयाचार्य के युग में उन्होंने धर्म संघ की अनेक ऐसी सेवाएं की थी जो अन्य व्यक्तियों द्वारा हो पानी असंभव नहीं तो दुसंभव अवश्य थी। वृद्धावस्था के कारण भंडारी जी की शारीरिक शक्ति काफी क्षीण हो चुकी थी। उन दिनों वे रुग्ण भी रहने लगे थे। भाद्र मास में रोग बढ़ गया, फिर भी वे अपनी शारीरिक निर्बलता की उपेक्षा करते हुए प्रतिदिन धर्मस्थान में आते रहे और आध्यात्मिक लाभ उठाते रहे। भाद्र कृष्णा नवमी की रात्रि में अस्वस्थता इतनी बढ़ गई कि बाहर जा पाने की स्थिति ही नहीं रही। विवश होकर उन्होंने आचार्य श्री से दर्शन देने के लिए प्रार्थना करवाई। सूर्योदय होने पर मघवागणी ने उनके घर पधार कर दर्शन दिए, मंगल पाठ सुनाया, मानो वे उसी की प्रतीक्षा में थे। इधर आचार्य श्री वापस पधारने को मुड़े और उधर वे अपनी महायात्रा पर चल दिए। लोगों ने कहा, भंडारी जी जितने उच्च कोटि के श्रावक थे, अंत समय में उन्हें उतना ही उच्च कोटि का धार्मिक सहयोग प्राप्त हुआ। ऐसे अनन्य श्रावक को अंतिम संबल देकर आचार्य श्री ने भी आत्मसंतोष का अनुभव किया। गुलाब सती का सहयोग। मघवागणी की संसार पक्ष बहन साध्वी प्रमुखा गुलाब सती के एक स्तन में गांठ हो गई। उससे उनकी अस्वस्थता का प्रारंभ तो थली में ही हो गया था, परंतु साहस पूर्वक विहार करके वे जोधपुर तक पहुंच गई। वहां चातुर्मास काल में गांठ की पीड़ा बढ़ गई। विविध उपचार किए गए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अंग्रेज डॉक्टर ने शल्य क्रिया द्वारा गांठ को निकलवाने का सुझाव दिया, परंतु गुलाब सती ने उसे स्वीकार नहीं किया। चातुर्मास समाप्त हो जाने पर गुलाब सती को अस्वस्थता के कारण जोधपुर में ही ठहरना पड़ा। मघवागणी विहार करके महामंदिर पधार गए। उस समय महामंदिर जोधपुर का पार्श्ववर्ती गाँव था, अब एक उपनगर है। आचार्य श्री प्रतिदिन वहां से नगर में पधारकर गुलाब सती को दर्शन सेवा का लाभ प्रदान करते। वैराग्यपूर्ण आगम वाणी सुनाकर वे उनकी परिणाम श्रेणी को उच्चतर बनाने का प्रयास करते। प्रोष कृष्णा नवमी को सागर अनशन पूर्वक गुलाब सती का देहांत हुआ। बहिन की समाधि मृत्यु में सहयोगी बनकर मघवागणी ने कृतार्थता का अनुभव किया। उस दिन वे नगर में ही विराजे। नवल सती की नियुक्ति। जोधपुर से विहार कर मघवागणी पाली पधारे। वहां बहिर्विहारी साध्वियों के अनेक सिंघाड़े गुरु दर्शन के लिए पहुंच चुके थे। उनमें एक सिंघाड़ा नवल सती का भी था। आचार्य श्री को गुलाब सती के पश्चात साध्वियों की देखरेख का दायित्व निभाने वाली किसी प्रभावशाली एवं निपुण साध्वी की आवश्यकता थी। नवल सती उस कार्य के लिए सभी दृष्टियों से परिपूर्ण थी, इसलिए वहां पौष के शुक्ल पक्ष में उन्हें साध्वी प्रमुखा के पद पर नियुक्त कर दिया। कहा जाता है कि जोधपुर में गुलाब सती की रुग्णावस्था में ही मघवागणी ने उनसे इस विषय में परामर्श किया था, तब उन्होंने ही इस नाम का सुझाव दिया था। देवगढ़ में पाली से विहार कर विभिन्न क्षेत्रों का स्पर्श करते हुए मघवागणी ने मेवाड़ में प्रवेश किया और देवगढ़ पधारे। आचार्य श्री के पदार्पण के कुछ दिन पूर्व ही वहां के राव जी के कुंवर गुजर गए थे। उनके शोक में राव जी ने सारे शहर में
कुछ दिनों के लिए गाना बजाना और जीवनवार आदि कार्यों को बंद रखने की आज्ञा प्रचारित कर रखी थी। उनको जब पता लगा कि यह मगवागणी पधारने वाले हैं, तब उन्होंने अपनी ओर से चलाकर श्रावक जनों को यह कहलवाया कि पूज्य जी के यहाँ आने के अवसर पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। तुम लोग बिना किसी रोक टोक के अपनी सदा की पद्धति के अनुसार स्वागत आदि कर सकते हो। मेरे घर में जो विपत्ति आनी थी वह आ चुकी, उसके लिए संतों के आगमन पर होने वाले जन उत्साह को क्यों रोकूं? राव जी ने केवल यह कहलवाया ही नहीं किंतु आचार्य श्री के पदार्पण के समय अपने अधिकारियों और कर्मचारियों आदि को सामने भी भेजा, साथ ही स्वयं को दर्शन देने के लिए प्रार्थना भी करवाई। मगवागणी जब दर्शन देने के लिए गढ़ में पधारे तो राव जी ने मंदिर तक सामने आकर उनका स्वागत किया और अपने परिजन प्रधान तथा कर्मचारियों सहित उपदेश श्रवण का लाभ लिया। राव जी बड़े भक्त प्रकृति के व्यक्ति थे। आचार्य श्री के उपदेश से उनके शोक संतप्त हृदय को बहुत ही सांत्वना मिली। उनकी भक्ति और भावना के आधार पर उस थोड़े से प्रवास में भी आचार्य श्री कई बार दर्शन देने के लिए गढ़ में पधारे। कविराज जी की बाड़ी में मेवाड़ के विभिन्न क्षेत्रों में विहार करते हुए मगवागणी संवत 1943 का चातुर्मास करने के लिए उदयपुर पधारे। वहां जनता में काफी अच्छी धर्म जागरणा हुई, राजवर्गीय लोगों का अच्छा समागम रहा। चातुर्मास के पश्चात विहार कर आचार्य श्री नगर से बाहर कविराज सावलदान जी की बाड़ी में कुछ दिन विराजे। कविराज जी मगवागणी के बड़े भक्त थे। जयाचार्य के समय से ही तेरापंथ के प्रति उनके मन में बड़ा आदर भाव हो गया था। कविराज जी का लोक प्रचलित या घरेलू नाम तो सावलदान ही था, परंतु कालांतर में वे अपना नाम श्यामलदास लिखने लगे। उनको कविराज की उपाधि महाराजा सज्जन सिंह, राज्यकाल संवत 1931 से 41, 1931 से 1941 ने प्रदान की। वे उन पर बड़े कृपालु थे। संवत 1931 में वे स्वयं उनके गांव ढोकलिया गए और उनके घर अतिथि बने। वहीं उन्हें कविराज की उपाधि से सम्मानित किया गया। महाराणा ने उन्हें एक मुद्रा प्रदान की, उस पर अग्रोक्त श्लोक अंकित था। मघवागणी ने उदयपुर चातुर्मास किया। उस समय मेवाड़ के शासक महाराणा फतेह सिंह जी थे, वे भी कविराज का बहुत आदर करते थे। कविराज जी चाहते थे कि जब मघवागणी उनकी वाड़ी में प्रवास करे तब महाराणा को उनके संपर्क में लाया जाए। महाराणा का आगमन। एक दिन कविराज जी ने महाराणा फतेह सिंह जी के सम्मुख धार्मिक चर्चा छेड़ते हुए निवेदन किया कि आजकल मेरी बाड़ी में आचार्य मगराज जी महाराज विराज रहे हैं, बड़े विद्वान और त्यागी संत हैं। आप मेरी झोपड़ी में पधारने की कृपा करें तो जहां वह पवित्र हो जाएगी वहां आपको एक महत्वपूर्ण संत समागम का अवसर मिलेगा। मैं सोचता हूं कि यह सत्संग आपको बहुत रुचिकर लगेगा। तेरापन के आचार्यों तथा साधु साधुओं से महाराणा परिवार का परिचय काफी पुराने समय से चला आ रहा था। वह आधार तो सुदृढ़ था ही, तत्कालीन अन्य किसी व्यवहारिक कठिनाई की असंभावना का भी पता लगवा लिया। फिर महाराणा ने कविराज जी के कथन को तत्काल स्वीकार कर लिया। उन्होंने आचार्य श्री की सुविधा आदि पूछकर अपने आने की तिथि तथा सायंकाल में 4 बजे का समय निश्चित कर दिया। अपने निश्चित किए हुए दिन सायंकाल में महाराणा दर्शन करने के लिए आए, किंतु वे अपने निश्चित किए समय पर नहीं पहुंच सके। विलंब हो जाने का कारण यह था कि उससे पूर्व वे स्टेट एजेंट से मिलने के लिए गए थे, वहां कुछ अधिक समय लग गया। वहां से जब वापस राजमहल में आए तो दर्शन के लिए जाने की बात उनकी स्मृति से ओझल हो गई। उन्होंने अपनी बाहर जाने की पोशाक खोलकर दूसरी पोशाक धारण कर ली। तभी अचानक उन्हें याद आया कि कविराज जी की वाड़ी में संतों के दर्शन करने की बात तो वे भूल ही गए। तत्काल उन्होंने एक हरकारे को आगे भेजा और अपने आने की सूचना दी। स्वयं भी शीघ्रता से तैयार होकर चल पड़े। इतनी शीघ्रता करने पर भी उन्हें काफी देर हो चुकी थी। जब वे वहां पहुंचे तो नतमस्तक होकर मगवागणी को वंदन करते हुए उन्होंने देरी से पहुंचने के लिए क्षमा याचना की।
उनके साथ पन्नालाल जी पुरोहित तथा कवि मनोहर सिंह जी सिंघी भी थे। सभी आचार्य श्री के सम्मुख यथास्थान बैठ गए। मघवागणी ने लगभग 22 मिनट तक उन्हें उपदेश सुनाया। महाराणा दत्तावधान सुनते रहे। आचार्य श्री ने जब देखा कि सूर्यास्त हो चुका है तथा संतों के वंदन और प्रतिक्रमण के समय में देर होती जा रही है, तब उन्होंने उपदेश को उपसंहार की ओर मोड़ दिया। महाराणा का ध्यान सुनने में इतना एकाग्र था कि वे मघवागणी की उस भावना को सहसा पकड़ नहीं पाए। उनका ध्यान तब टूटा जब उपदेश की बहती हुई अजस्त्र धारा सहसा ही रुक गई। महाराणा ने गुरुदेव के मुखारविंद की ओर देखा तो उन्होंने फरमाया कि अब तो समय संपन्न हो गया है, क्योंकि साधुओं के संध्याकालीन प्रतिक्रमण का समय आ चुका है। महाराणा तत्काल खड़े हुए और वंदन करके वहां से अपने स्थान की ओर चल पड़े। उपस्थित जनता तथा स्वयं कविराज जी भी मघवागणी के उस व्यवहार से बड़े चिंतित हुए। उन्हें यह चिंता थी कि इस प्रकार के उत्तर से कहीं महाराणा अप्रसन्न न हो गए हो। महाराणा तक पहुंच वाले कुछ विरोधी लोगों ने उस स्थिति से लाभ उठाना चाहा। उन्होंने महाराणा से निवेदन किया कि जहां आपके सम्मान का उचित ध्यान नहीं रखा जाता हो, वहां आपका पदार्पण हमें अखरता है। आपको ऐसे स्थान पर जाना ही नहीं चाहिए। महाराणा ने कहा, नहीं, हम उचित स्थान पर ही गए थे। हमारे असम्मान की वहां कोई बात नहीं थी, वह तो अपने नियम की बात थी। गीता में जिसे गत्स्प्र कहा गया है, वे वैसे ही फक्कड़ संत हैं। यह तो प्रसन्नता की बात है कि वे अपने नियम के इतने पक्के हैं कि हमें भी इनकार कर सकते हैं। कविराज सावलदान जी ने महाराणा के मुख से जब ये प्रशंसात्मक शब्द सुने, तब मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने समाज के अन्य सभी व्यक्तियों को वह बात बतलाई, तब उन सबको अतिशय प्रसन्नता हुई। नगर में जब लोगों को महाराणा की प्रतिक्रिया का पता चला तो वे सब आश्चर्यचकित हुए। अंतरंग जिज्ञासा। कविराज सावलदान जी एक अंतरंग श्रावक के समान ही तेरापन की प्रत्येक गतिविधि की जानकारी रखने और उसके हित साधन की चिंता करने वाले व्यक्ति थे। अपनी बाड़ी में एक दिन वे अकेले ही मघवागणी की सेवा में बैठे थे। अवसर देखकर उन्होंने पूछा, आपने अपने उत्तराधिकारी के विषय में कुछ निर्णय किया हो तो जानना चाहता हूँ। मघवागणी ने फरमाया, अभी तो गोगुंदा जा रहे हैं, वहाँ से वापस इधर आना होगा, तब इस विषय में बात करने का विचार है। उदयपुर चातुर्मास से पूर्व मघवागणी जब गोगुंदा पधारे, तब वहाँ तीन व्यक्ति पन्नालाल जी, मगनलाल जी और उनकी माता धन्ना जी दीक्षित होने की तैयारी में थे। उनकी प्रार्थना थी कि आप ये चातुर्मास यहाँ करें। आचार्य श्री ने उन लोगों को समझा दिया कि उदयपुर चातुर्मास के पश्चात यहाँ आकर दीक्षा देना उचित रहेगा। उसी पूर्वकृत निर्णय के अनुसार आचार्य श्री चातुर्मास समाप्ति के पश्चात वहाँ पधारे और तीनों व्यक्तियों को दीक्षा प्रदान की। 25 रात विराजकर जब वहाँ से वेदला पधारे, तब उदयपुर से अनेक भाई बहनों के साथ कविराज जी भी दर्शनार्थ आए। उन्होंने उदयपुर पधारने की प्रार्थना की। यद्यपि आचार्य श्री वहाँ से सीधे कानोड़ की तरफ पधारने का विचार करके पधारे थे, परंतु कविराज जी की भावना रखने के लिए उन्होंने उदयपुर का चक्कर लेना स्वीकार कर लिया। चातुर्मास के पश्चात 2 महीने व्यतीत नहीं हुए थे, अतः नगर में रहने का तो कल्प ही नहीं आया था। नगर की बाहर वाली बस्ती में अवश्य रह सकते थे, इसलिए कुछ दिनों के लिए वे उदयपुर पधारे और कविराज जी की बाड़ी में ही विराजे। कविराज जी ने अवसर देखकर एक दिन पुनः अपनी जिज्ञासा सामने रखी और स्मरण कराया कि आपने पुनः उदयपुर आगमन पर इस विषय में विचार करने को कहा था, अतः कोई कठिनाई न हो तो फरमाने की कृपा करें। तेरापंथ की अंतरंग व्यवस्था के प्रति कविराज जी की इस उत्कट जिज्ञासा को मघवागणी ने बहुत महत्वपूर्ण और हितकारी माना। उन्होंने अपने मन का चिंतन उनके सम्मुख खोलकर रखते हुए फरमाया, आज तक के अवलोकन में मैं इस पद के लिए माणकलाल जी को सर्वथा उपयुक्त मानता हूँ। कविराज जी ने आचार्य श्री की उस कृपा और विश्वास के लिए स्वयं को धन्य माना। उन्होंने आचार्य श्री से पूछा और फिर श्रावकों को सुझाव देकर उस नाम को प्रचारित करवा दिया।
षटमासिक पारना उदयपुर से विहार करते हुए आचार्य श्री मेवाड़ के विभिन्न गांवों में पधारे। कई स्थानों में श्रावक वर्ग में कुछ बातों को लेकर पारस्परिक विद्वेष और धड़ाबंदी चल रही थी, उसे मिटाकर पारस्परिक सौहार्द पैदा किया। उस यात्रा में रेलमगरा पधारे, वहां साध्वी रंगू जी के सिंघाड़े की साध्वी सुंदर जी को 6.25 महीने की तपस्या का पारना करवाया। आचार्य श्री ने संवत 1943 का मर्यादा महोत्सव दौलतगढ़ में किया। वहां साध्वी मधु जी के सिंघाड़े की साध्वी रंभा जी को 6.5 महीने की तपस्या का पारना करवाया। उक्त दोनों ही तपस्या आज के आगार पर की गई थी। मधुर उत्तर से मेवाड़ स्पर्शना के पश्चात मघवागणी नया शहर होते हुए अजमेर पधारे। वहां लाखन कोटड़ी में 3 दिन विराजना हुआ। वहां स्थानकवासी संप्रदाय की कई साध्वियों ने आकर प्रार्थना की कि उन्हें अपने गण में दीक्षित कर लिया जाए। उन्होंने वहां 3 दिनों में कई बार प्रार्थना की, किंतु मघवागणी का ध्यान उन्हें दीक्षित करने का नहीं था। उन्होंने उस प्रसंग को टालना ही उचित समझा, अतः फरमाया, हमारे गण की मर्यादाएं बहुत कड़ी हैं। तुमने अभी तक न उनको देखा है और न समझा है, इस कार्य में शीघ्रता काम नहीं देती। वस्तुतः जो व्यक्ति वर्षों तक अपने मनोनुकूल चलते रहे हो, उनके लिए एकाएक किसी दूसरे के अनुशासन में चल पाना सहज नहीं होता। आचार्य श्री अपने गण में स्वच्छंदता और उच्छलता का वातावरण पनपने देना नहीं चाहते थे, अतः किसी भी बाहरी व्यक्ति को पूर्ण परीक्षा किए बिना अपने गण में सम्मिलित करना पसंद नहीं करते थे। यही कारण था कि उन्होंने उन साध्वियों के कथन को बिल्कुल ही उपेक्षा की दृष्टि से देखा और मधुर उत्तर देकर टाल दिया। फिर थली में अजमेर से विहार करते हुए मघवागणी फिर थली की ओर पधारे। जब वे लाडनू के मार्ग में थे, तब वालिया नामक गांव में उनके दस्तों की गड़बड़ हो गई। भीषण गर्मी के दिन थे, दस्तों की बीमारी ने शरीर को शिथिल कर दिया। फिर भी मनोबल के आधार पर निरंतर विहार करते हुए वे लाडनू पधार गए। वहां 20 दिनों तक ठहरकर उस रोग के अनेक उपचार किए, किंतु कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। वहां से विहार कर आचार्य श्री तब सुजानगढ़ पधार गए। वहां कुछ दिन पूर्व एक श्रावक के वहीं गड़बड़ी हुई थी। उसने सरकारी अस्पताल से औषधि ली और शीघ्र ही स्वस्थ हो गया। उसने मघवागणी को अपने पास की अवशिष्ट वही औषधि लेने की प्रार्थना की। उन्होंने जब उसका प्रयोग करके देखा तो उन्हें बीमारी में काफी लाभ प्रतीत हुआ। कुछ ही दिनों में रोग तो उपशांत हो गया, परंतु निर्बलता बनी रही। दर्शाव और चातुर्मास। उस समय आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष चल रहा था। चातुर्मास प्रारंभ होने में थोड़े ही दिन अवशिष्ट थे। सुजानगढ़ के श्रावक अनेक बार प्रार्थना कर चुके थे कि यह चातुर्मास उन्हें प्रदान किया जाए। प्राय सभी के मन में ऐसी धारणा भी हो चुकी थी कि यह चातुर्मास सुजानगढ़ का ही है, केवल आचार्य श्री द्वारा स्वीकृति प्रदान कर देना ही शेष रहा था। उन्हीं दिनों बिदासर निवासी नगराज जी बैंगानी को देव दर्शाव हुआ कि आचार्य श्री को बिदासर पधार जाना चाहिए। यहाँ आने पर वे स्वयं भी पूर्ण निरोग हो जाएंगे। उन्होंने शोभाचंद जी बैंगानी के पास जाकर सारी बात बतलाई। विचार विमर्श के पश्चात उसी रात को दोनों व्यक्ति ऊँटों पर चढ़कर सुजानगढ़ की ओर चल पड़े। वे वहां पहुंचे तब मघवागणी शोचार्थ बाहर पधारे हुए थे। गांव के बाहर ही उन लोगों ने दर्शन कर लिए। शोभाचंद ने नगराज जी के देव दर्शाव की बात सम्मुख रखते हुए प्रार्थना की कि आप बिदासर पधारने की कृपा करें। नगराज जी को ऐसे दर्शाव अनेक बार होते और मिलते रहे थे, अतः मघवागणी ने उस प्रार्थना को तत्काल स्वीकार कर लिया। उन्होंने आषाढ़ शुक्ला नवमी को सुजानगढ़ से विहार किया और पूर्णिमा के दिन बिदासर पहुंच गए। इस प्रकार संवत 1944 का चातुर्मास बिदासर को सहज ही प्राप्त हो गया। बीकानेर में महोत्सव। मघवागणी ने संवत 1944 का मर्यादा महोत्सव बीकानेर में किया। वे वहां देशनोक, उदरामसर और भिनासर होते हुए पधारे थे। बीकानेर में पूनमचंद जी सुराणा के मकान में विराजना हुआ।
प्रवचन समीपवर्ती उपाश्रय में दिया जाता था। वहाँ जनता अच्छी संख्या में उपस्थित होने लगी। आचार्य श्री की मधुर एवं ओज भरी व्याख्यान शैली ने सभी प्रकार लोगों को अत्यंत प्रभावित किया। बीकानेर में मनाए गए मर्यादा महोत्सव में उस समय 27 गुआड़ों के लोग सम्मिलित हुए। राज कर्मचारी तथा अधिकारी वर्ग के लोग भी बहुत आए। यति संवेगी और स्थानकवासी परंपरा के अनुयायियों के लिए तो तेरापन की मर्यादा एवं अनुशासन पद्धति को देखने और समझने का वह अद्वितीय अवसर था। सभी ने चकित भाव से उत्सव को देखा। जन जन के मुख से उस समय प्राय यही भाव मुखरित हुआ कि ऐसा मेला हमने पहले कभी नहीं देखा। कहा जाता है कि महोत्सव के अवसर पर थली के विभिन्न गांवों से लगभग 400 व्यक्ति वहां गुरुदर्शन के लिए आए। ऊंट और बैली ही उस समय यातायात का मुख्य साधन थे। पुरुष प्राय ऊंटों पर तथा महिलाएं बैलियों की सवारी से पहुंची थी। गुरुदर्शन की प्रबल भावना ने मरुस्थल की उस कष्टदायी यात्रा को सहस्त्र ही बना दिया, सुखदायी भी बना दिया। मगवागणी के सौम्य स्वभाव और मृदु व्यवहार ने सभी व्यक्तियों को अत्यंत प्रभावित किया। शायद यही कारण था कि अन्य संप्रदायों के साधु साधियों के मन में भी आचार्य श्री से मिलने तथा बात करने की अतिरिक्त उत्सुकता देखी गई। स्थानकवासी साधुया अनेक बार मार्ग में मिल जाया करती थी। हर बार वे हर्षोत्फुल मन से झुक झुक कर वंदन किया करती। कवलगच्छ्य श्री पूज्य जी ने अपने शिष्य को भेजकर प्रार्थना करवाई कि उनके उपाश्रय में पधारने की कृपा अवश्य की जानी चाहिए। मगवागणी वहाँ पधारे। श्री पूज्य जी की आंखें आचार्य श्री की शरीर संपदा को देखकर तृप्त हो गई। चर्चा वार्ता करते समय उनके आगम ज्ञान और वाक्य माधुर्य से भी वे अत्यंत प्रभावित हुए। शिष्य संपदा तथा उनके विनय एवं अनुशासन ने तो मानो श्री पूज्य जी को हर्ष विभोर कर दिया। कहा जा सकता है कि वह मर्यादा महोत्सव बीकानेर निवासियों के लिए अनेक नवीन अनुभव प्रदान करने वाला हुआ। अग्नि प्रकोप संवत 1947 के ग्रीष्म काल में आचार्य श्री मघवा सरदार शहर पधारे। वहां एक महीना विराजकर उन्होंने रतनगढ़ की ओर विहार किया। मार्गवती गांव दुलरासर में ठहरे। उस दिन मध्याह्न में किसी एक घर में आग लग गई। हवा तेज थी, अतः बहुत शीघ्र फैलकर प्रलयाग्नि बन गई। अधिकांश घर घास फूस के थे और एक दूसरे से सटे हुए थे। एक एक चिंगारी ही उनके लिए काफी थी। वे प्राय जलने लगे। जो बच गए वे आग के सामीप्य से शकरकंद की तरह सिकने लगे। मगवागणी जहाँ ठहरे थे वह मकान भी खाली कर देना पड़ा। भयंकर गर्मी, मध्याह्न का समय, अग्नि प्रकोप के कारण पूरा गांव अस्त व्यस्त, बैठने के लिए कहीं वृक्ष की छाया तक सुलभ नहीं रही। उस स्थिति में वहां से विहार कर देना ही एकमात्र बचाव था। वे निकटवर्ती गांव मांगासर पधार गए। मार्ग की उत्तप्त धूली और लू के थपेड़े ने उस 2 किलोमीटर दूरी को भी बड़ा दुर्लभ बना दिया। शरीर की स्थूलता के कारण आचार्य श्री प्राय छोटे विहार ही किया करते थे। गर्मी उनके लिए अधिक कष्टदायी हुआ करती थी। मध्याह्न में किए गए उस विहार ने उनको इतना खेद खिन्न कर दिया कि वे दिन भर प्राय लेटे ही रहे। साधु साधियों को भी उस दिन अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कईयों को लू लग गई, अतः जीवन का प्रत्येक ग्रीष्मकाल उनके लिए कष्ट काल बन गया। ग्रामीणों का दुर्व्यवहार। पहले दिन के मध्यकालीन विहार की क्लांति तथा साधु साधियों की अस्वस्थता के कारण मघवागणी ने दूसरे दिन प्रातः काफी छोटा विहार किया। वे केवल 1 कोस 3 किलोमीटर दूर खिलेरिया गांव पधारे। गांवों में सब संतों को एक स्थान में ठहरने की सुविधा प्राय नहीं मिलती, अतः वहां संत कई स्थानों में ठहरे थे। कुछ संत स्थानीय मंदिर में ठहरे हुए थे, उनमें मुनि नंदराम जी भी थे। कई दिनों से वे रुग्ण थे। दुलरासर के अग्नि प्रकोप तथा उसी कारण से मध्याह्न में किए गए विहार के असह्य ताप ने उनको मृत्यु के किनारे पहुंचा दिया। संतों ने कंबल बिछाकर उस पर उन्हें सुला दिया। कुछ समय पश्चात उनकी स्थिति एकदम बिगड़ गई। पुजारी जी ने उनको मरणासन्न स्थिति में देखा
तो मंदिर खाली कर देने के लिए कहने लगा। समझाने बुझाने पर भी नहीं माना तो संत उन्हें झोली में सुलाकर पास के घर में ले गए। वहां भी गृह स्वामी द्वारा निषेध कर दिया गया। तब वे उन्हें वापस लाए और मंदिर के बाहर वाली चौकी पर सुला दिया। उसी समय उनका प्राणांत हो गया। मघवागणी की सेवा में उस समय बहुत कम व्यक्ति आए हुए थे। जो थे उनमें भी महिलाओं की संख्या अधिक थी। भाइयों ने दाह संस्कार की तैयारी की परंतु लकड़ियां नहीं मिली। ग्रामवासी ऐसे निम्न विचारों के निकले कि मूल्य से भी लकड़ियां देने को तैयार नहीं हुए। सभी श्रावक बड़ी दुश्चिंता में फंस गए। वे सोच ही रहे थे कि अब क्या करना चाहिए, तभी बिदासर से नगराज जी बेंगानी आदि श्रावकों का एक दल मार्ग की सेवा करने के लिए वहां आ पहुंचा। उन्होंने वहां की सारी स्थिति देखी सुनी तो बड़े खिन्न हुए। उन्होंने ग्राम के प्रमुख व्यक्तियों से बातचीत की और समझाने का प्रयास किया कि शव का दाह क्रम तो हर स्थिति में होना ही चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि तुम लोग शहर में जाकर लकड़ियां बेचते हो, उससे भी अधिक मूल्य लेकर यहाँ बेच दो। न जाने ग्रामवासियों पर कैसा नशा छाया हुआ था कि वे टस से मस नहीं हुए। सीधे उपाय से कार्य होने की संभावना नहीं रही, तब नगराज जी ने दूसरा मार्ग अपनाया। उन्होंने धमकी के स्वर में कहा, मैं बिदासर के उसी बेंगानी परिवार का हूँ जिसने अभी कुछ वर्ष पूर्व दुगोली के गढ़ पर गधों से हल चलवा दिए थे। हम सब को अन्यत्र नहीं ले जाएंगे, दाह क्रम इसी ग्राम में होगा। उन्होंने अपने व्यक्तियों को संकेत किया और सामने खड़ी एक बैलगाड़ी को अपने अधिकार में ले लिया। उन्होंने कहा, हम इसी के काट से दाह क्रम कर देंगे। जो इसमें बाधक बनेंगे उन्हें अपनी करनी का फल यहीं हाथों हाथ भुगता दिया जाएगा। कुछ नगराज जी के दबंग व्यक्ति से तो कुछ दुगोली कांड की पुनरावृत्ति के भय से लोग आतंकित हो गए। फलस्वरूप वे झुक गए और लकड़ियां बेचने को तत्पर हो गए। नगराज जी को तो यही चाहिए था। उन्होंने बैलगाड़ी को लौटा दिया और लकड़ियां खरीद कर दाह संस्कार कर दिया। कहा जाता है कि संतों के प्रति की गई उक्त अवगणना के कारण अनेक वर्षों तक साधु साधुओं के किसी सिंघाड़े का खिलेरिया में प्रवास नहीं हुआ। संयोग ऐसा मिला कि उसी अवसर से कई वर्षों तक वहां दुष्काल पड़ता रहा। कभी वर्षा नहीं हुई तो कभी टिड्डी या कोतरों के उपद्रव ने खड़ी फसल को समाप्त कर दिया। उस विपत्ति काल में लोगों के ध्यान में आया कि यह सब उसी पाप का परिणाम है जो संतों की अवगणना करके ग्रामवासियों द्वारा कमाया गया था। तब से उन लोगों ने उस मार्ग से आने वाले सिंघाड़ों को अपने गांव में ठहरने की प्रार्थना प्रारंभ कर दी। लोगों की सद्भावना देखी तो किसी सिंघाड़े ने वहां ठहरकर कई वर्षों से चली आ रही उक्त अड़खला को समाप्त कर दिया। बेंगानी जी को पुरस्कार। मघवागणी ने सरदार शहर से विहार किया तब उनके मन में संवत 1947 का चातुर्मास रतनगढ़ को प्रदान करने की भावना थी। परंतु खिलेरिया में नगराज जी बेंगानी ने संघ के सम्मुख तत्काल उत्पन्न विचारणीय समस्या का जिस सूझबूझ के साथ हल निकाला उससे प्रसन्न होकर आचार्य श्री ने उन्हें पुरस्कृत करने का निश्चय किया। वे विहार करते हुए रतनगढ़ पधारे। स्थानीय लोगों के मन में यह धारणा बुद्ध मूल थी कि यह चातुर्मास उन्हें ही मिलेगा। उन्होंने बड़ी आशा और उत्साह के साथ आग्रह भरी प्रार्थना की परंतु वह मान्य नहीं हुई। नगराज जी बेंगानी वहीं उपस्थित थे। आचार्य श्री ने उनकी सामायिक सेवा की प्रशंसा की और उन्हें पुरस्कार स्वरूप वह चातुर्मास प्रदान कर दिया। कसर निकालने का भाव। अति आशा कर लेने वालों को जब कोरी निराशा हाथ लगती है तो मनुष्य का उदास हो जाना स्वाभाविक ही है। रतनगढ़ निवासियों को इसी स्थिति का सामना करना पड़ा। वे लोग शत प्रतिशत मानते थे कि मघवागणी उस वर्ष का चातुर्मास प्रवास रतनगढ़ में ही करेंगे, परंतु वह अचानक बिदासर को दे दिया गया। उससे उनके भक्ति समृद्ध हृदय को बड़ा आघात लगा। कुछ व्यक्ति अपनी आकृतियों पर उदासी ओढ़कर बिल्कुल चुप हो गए तो कुछ हृदय के उबाल को बाहर निकालने के लिए मुखर बनकर उपालम देने लगे कि आपने परोसी हुई थाली हमारे सामने से उठाकर दूसरों के सम्मुख रख दी, यह कैसे अन्याय हुआ। कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जिनकी अश्रुपूरित आंखें मौन रहकर भी बहुत कुछ कह रही थी।
मघवागणी संभावत ही बड़े दयालु और कोमल हृदय के थे। उन्होंने जब देखा कि यहाँ का संभावित चातुर्मास अन्य को दे देने से लोगों का मन बहुत खिन्न हो गया है, तो उन्होंने प्रकारांत से उस खिन्नता को मिटा देने का प्रयास किया। उन्होंने फरमाया, यह चातुर्मास तो घोषित हो चुका है, परंतु अवसर आने पर आगे कभी इस कमी को सवाई कसर निकाल देने का विचार है। आचार्य श्री के उक्त आश्वासन ने स्थानीय लोगों के आहत हृदयों को थोड़ा सा आश्वस्त किया। सन 1947 का चातुर्मास मघवागणी ने बिदासर में किया। उसके पश्चात थोड़े थोड़े दिन सुजानगढ़ और लाडनू में विराज कर मिक्सर पूर्णिमा को जयपुर की ओर विहार कर दिया। डिडवाना, कुचामन, नावा और जोबनेर होते हुए वे जयपुर पधारे और उस वर्ष का मर्यादा महोत्सव तथा संवत 1948 का चातुर्मास वहीं किया। शहर, घाट और बाग को मिलाकर लगभग 10 महीनों का वह प्रवास था। चातुर्मास के पश्चात वापस थली की ओर पधारे और एक मास लाडनू विराजने के पश्चात सुजानगढ़ में मर्यादा महोत्सव किया। फिर थली के विभिन्न क्षेत्रों में विहार करते हुए संवत 1949 का चातुर्मास करने हेतु वे रतनगढ़ पधारे। महीना बढ़ने के कारण वह 5 महीने का चातुर्मास था। इस प्रकार 2 वर्ष पूर्व सवाई कसर निकालने का दिया हुआ आश्वासन आचार्यवर ने सहज ही पूरा कर दिया। कल के अध्याय में हम सुनेंगे, पंजाब के सेठ ने मघवागणी से क्या प्रश्न किया और मघवागणी के उत्तर पर उन्होंने कैसी प्रतिक्रिया दी। महाराणा को दीक्षा देनी चाहिए या नहीं, इस विवाद में उलझे 2 श्रावकों को मघवागणी ने कैसे समझाया। राव जी ने मघवागणी से क्यों कहा, आपने अनेक व्यक्तियों के घर उठा दिए, तब मघवागणी ने क्या उत्तर दिया। मौलवी ने किसे कहा, बीच में मत बोलिए। पन्नालाल जी मोहता के प्रश्न का मघवागणी ने क्या उत्तर दिया। संवेगी संत ने मघवागणी से क्यों कहा कि थली के अनेक मंदिरों में आपने कांटे लगवा दिए हैं। मघवागणी ने 2 चातुर्मासों की घोषणा क्यों की। ओम अरहम।